आरएसएन एक्सप्रेस का जो ये इनिशिएटिव है, ये काबिले तारीफ है। देखिए, मैं जो देख रहा हूँ आरक्षण को, मैं काफी देर से रमेश जी को ऑब्जर्व करता हूँ, तो मैं न्यूज में ये देखता हूँ कि वो वही न्यूज दिखाते हैं जो इम्पोर्टेंट है, वो मार्केटिंग वाली या किसी को फेम करने वाली या पैसे लेके करने वाली, वो न्यूज आरक्षण में नहीं दिखाई जाती है। तो मुझे काफी अच्छा लगता है जब मैं आपका न्यूज को फॉलो करता हूँ। आरक्षण बड़ा अच्छा परिवार अच्छा काम कर रहा है। बट यू नो, एवरीवन शुड गेट दिस चांस। मैं चाहती हूँ सब लोग ऐसे ही अवार्ड फंक्शन में आए। जैसे की मैं देख पा रही हूँ, बहुत बहुत अच्छा इवेंट उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। मैं तो रमेश जी को और इनकी टीम को कहूंगी कि ये हर साल करवाएं, और मैं इन ऑर्गेनाइजर्स का बहुत बहुत थैंकफुल हूँ कि वो रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, और उससे हमें और मोटिवेशन मिलती है कि हम और अच्छा काम करें। अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है भाई। हिसार शहर में कमाल हो गया। और बता दूं कि ये एक्सीलेंस अवार्ड है कहां पर, गोल्डी होटल नाम है जहां पर एक्सीलेंस अवार्ड होने जा रहा है। एक्सीलेंस अवार्ड 2023 आप देख पा रहे हैं, पूरा ग्लैमरस लुक जो है आज आपको दिखाएंगे। और फिलहाल बहुत से गेस्ट यहाँ पर आए हैं, उनसे भी आपकी बातचीत करवाएंगे और उनका क्या एक्सपीरियंस है इस एक्सीलेंस अवार्ड को लेकर। सारी जो बेहतरीन हंसी है उन्हें नवाजा जाता है एक्सीलेंस अवार्ड से। आज बिल्कुल, जो सिटी बिग न्यूज़ और आरएसएन एक्सप्रेस का जो ये इनिशिएटिव है, ये काबिले तारीफ है कि आप शहर में जो लोगों ने योगदान दिया है, चाहे समाज सेवा के तौर पे या पढ़ाई के क्षेत्र में, खेलों के क्षेत्र में, किसी ने जो भी अपना कुछ उत्कृष्ट कार्य किया है एक साल में, उसको आप यहाँ सम्मानित करते हैं। तो आज भी उसी कड़ी में आपने जैसे खुद बताया कि पांचवा अवसर है ये इस तरह का, और करीब 30 या 32 लोग हैं जिनको आज सम्मानित कर रहे हैं जी। तो बहुत अच्छी बात है, लोगों के लिए बड़ा प्रेरणादायी होता है, खासतौर पे युवाओं के लिए बड़ा इंस्पिरेशनल होता है जब रिकग्निशन मिले। सर, एक्सीलेंस अवार्ड को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, आप भी यहाँ पर आए हैं, एक्सीलेंट विनर्स के लिए क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले मैं धन्यवाद करूँगा आरएसएन एक्सप्रेस का और सिटी बिग न्यूज का, और ऐसी हस्तियों को आप सम्मानित कर रहे हैं जो हिसार नगर की सेवा करते हैं, और मीडिया के नाते आप बहुत अच्छा जो कार्य है यहाँ हो रहा है, और हिसार नगर का प्रथम नागरिक होने के नाते मैं धन्यवाद करता हूँ इस कार्यक्रम का, जो आप इतना अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं। और आज हमारे बीच में सांसद महोदय भी मौजूद हैं, इन्होंने भी अपना कीमती समय निकाला, इनका भी धन्यवाद करता हूँ। और ऐसी जो प्रतिभाएँ हैं उनको सम्मानित करना ज़रूरी भी है, और इनको देख कर और भी हिसार नगर में ऐसे व्यक्ति अब उत्कृष्ट सेवाओं के लिए आगे आए, मैं यही जो है उम्मीद रखता हूँ शहरवासियों से भी। और जो अपने अपने क्षेत्र में अच्छा काम कर कर, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर जो फोटोज लगी हुई हैं, कोई शिक्षा के क्षेत्र में, कोई चिकित्सा के क्षेत्र में, और कोई पुलिस की सेवा में, और सब जो अपने अपने क्षेत्र में जो सेवा कर कर यहाँ स्थान पर पहुँचे हैं, मैं हिसार नगर की तरफ से उन्हें बधाई देता हूँ। फिलहाल हमारे साथ हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर संजना सातरोड़ आ चुकी हैं, और काफी प्रिटी लुक रहा है, साथ ही में ये बोल्ड लेडी है जो सबके लिए एक एग्जांपल सेट कर दे, तो उनसे बातचीत कर लेते हैं। मैम नमस्कार। नमस्कार आपको और सभी दर्शकों को। मैम कैसा लग रहा है इस एक्सीलेंस अवार्ड में आकर एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर? मुझे बहुत ही सौभाग्य लग रहा है कि मुझे इधर आमंत्रित किया गया है इतने एक्सीलेंट लोगों के बीच, जो लगातार आप लोग भी काम कर रहे हैं 5 साल से इस तरीके का एक अवार्ड फंक्शन होस्ट कर रहे हैं, जहाँ पे जो लोगों का जो भी वो काम कर रहे हैं उसको एक्सीलेंस अवार्ड की तरह उनको ऑनर किया जा रहा है, जिससे वो बहुत ही सराहनीय काम है। मैम जैसे कि आपकी छवि जो है लोगों की सेवा करने के लिए, वैसे जो हमारे ऑर्गेनाइजर हैं रमेश शर्मा सर, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए मैं पहले तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, क्योंकि जैसे कि मैं देख पा रही हूँ बहुत बहुत अच्छा इवेंट उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, और साथ ही साथ बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है लोगों को, उनकी प्रतिभाओं को हौसला बढ़ाने के लिए ये अवार्ड फंक्शन। मैम वही यहाँ पर आज आकर ग्लैमरस लुक में आप पहुंची है, तो क्या कहना चाहेंगी जो भी एक्सीलेंट विनर है आज के? मैं सभी एक्सीलेंट विनर्स को मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपकी प्रतिभा इसलिए ऑनर की जा रही है, अवार्ड की जा रही है, क्योंकि आपने अपने अपने क्षेत्रों में बहुत ही सराहनीय काम करे हैं और आप ऐसे ही करते रहे। धन्यवाद। मेरा नाम भारत मेहता है, मैं स्टेट बैंक से रिटायर्ड हूँ। मैं सर आज कैसा लग रहा है एक्सीलेंस अवार्ड में आकर? एक अच्छा प्रयास है कि आने वाली जनरेशन को अनुभव वाले व्यक्तियों से एक अच्छा संदेश मिले कि हम अपने अनुभव के आधार पर नई जनरेशन के लिए क्या गाइड हो सकते हैं, और ऐसे प्रयास बने रहें तो समाज के लिए भी बहुत अच्छा। हिमांशु
सर कैसा लग रहा है आज यहाँ पर आकर? डेफिनेटली प्राउड फील मोमेंट है और मोटिवेशन मिलता है यहाँ पर आने के बाद हमें और अच्छा काम करने के लिए मोटिवेशन मिलता है। अनुभव तो होएगा सर, देखो अभी आए हैं, देखते हैं आपका कैसा प्रोग्राम है। हाँ, तो जैसे कि इसमें हिस्सा आपको बनाया गया है तो उसको लेकर खुशी कितनी है दिल में? खुशी है, काफ़ी है। अगर समाज में एक अच्छा काम करते हैं तो अगर इस तरह के उससे नवाजा जाता है, कहीं सम्मानित होते हैं, तो उससे कितना एक तरह से मोटिवेशन मिलता है आपको? बहुत मोटिवेशन मिलता है जी, काम के लिए और समाज के लिए जो भी अच्छा करने के लिए मोटिवेशन मिलता है। जो इसके आयोजन है उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? अच्छा जी, करते रहिएगा ऐसा ऐसा इवेंट आप। आपका हमेशा साथ मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा जी साथ। नहीं होने चाहिए तो मतलब साल में एक बार कर रहे हैं, साल में दो बार भी करने चाहिए इनको। सर वही बात करें एक्सीलेंस की, मींस की वो जो भी पर्सन है, पर्सनालिटी है, वो टॉप पर है, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखो इंस्पिरेशन मिलता है, जो टॉप पर है उनको देख के देखने वालों को भी इंस्पिरेशन मिलता है, तो ये kind of inspiration है, अच्छी inspiration है। फिलहाल हमारे साथ pretty pretty ladies भी आई हुई हैं, इनसे भी जान लेते हैं कि excellence award में आकर कैसा महसूस करें। मैम कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मैम आपका नाम? मेरा नाम नीलम सुंडा जी। excellence award को लेकर क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके के programs हैं, जो excellence award है कितनी बार होने चाहिए, किस तरीके से होने चाहिए? ये वैसे तो हर साल होना चाहिए क्योंकि अपनी अपनी फील्ड में जो काम कर रहा है उसके लिए ये प्रोत्साहन का काम करता है। हम लोग दुगनी मेहनत से और दुगनी तैयारी से फिर आगे काम करते हैं, और मैं तो रमेश जी को और इनकी टीम को कहूंगी कि ये हर साल करवाए। मैं कमलेश भाकर। मैम कैसा लग रहा है आज एक्सीलेंस अवार्ड में आकर? बहुत अच्छा लग रहा है, और मेरा तो ये हमारे स्कूल के लिए सेकेंड टाइम ऑनर है, और मैं इन ऑर्गेनाइजर्स का बहुत बहुत थैंकफुल हूँ कि वो रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, और उससे हमें और मोटिवेशन मिलती है कि हम और अच्छा काम करें। मैं सर डॉक्टर दीपक नैन, मैं ऑन्कोसर्जन हूँ, करंटली वर्किंग सप्रा हॉस्पिटल। सर कैसा लग रहा है आज एक्सीलेंस अवार्ड में आकर? Well, it is a really good initiative. I am feeling really well. And ये सब होता रहना चाहिए, and you get to know what is happening in the city. And I would like to congratulate whole team for this nice hard work. सर हमने वही आपको हर तरह की नॉलेज और इन्फॉर्मेशन जो है RSN और सिटी बिग न्यूज के माध्यम से दिए, तो उसके लिए कुछ कहना चाहेंगे सर? I would like to special thanks to Sharma ji of RSN Network. His way of speaking and way of delivering news is absolutely extraordinary, and his whole team is a lot of energetic. I would like to say a lot of thanks. जी के नुगास। सर कैसा लग रहा है आज यहाँ पर आकर, कैसा महसूस हो रहा है? मैडम ऐसी जगहों पे आने पे तो अच्छा ही लगता है, क्योंकि जो विभिन्न फील्ड में काम कर रहे हैं, अगर उनको ये आपके RSN एक्सप्रेस और जो कमल लोहान जी हैं, अगर एक अच्छा कदम उठाएं, लोगों को अवार्ड देते हैं, तो एक वो अंदर से ना एक मोटिवेशन आता है कि हम और बेटर करें और अच्छा करें। ये एक बड़ी अच्छी चीज है, और आकर के तो मन खुश हो गया। और क्या लगता है जो ये इन्होंने इनिशिएटिव लिया है एक्सीलेंस अवार्ड का, ये कहाँ तक बेस्ट साबित हो रहा है? नहीं ये तो अच्छा है, क्योंकि ये मुझे दूसरी बार इन्होंने चूज किया है जी। तो मुझे अच्छा लग रहा है, और जो कुछ नई फील्ड में लोग उभर के आए हैं, तो मुझे लग रहा है कि लोगों को अच्छे काम का रिवार्ड मिलना चाहिए, अवार्ड मिलना चाहिए, उससे काम और अच्छा तेज बढ़ता है और अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। फिलहाल हमारे साथ मिस हरियाणा भी जो एक्सीलेंस अवार्ड में पहुंची है, तो उनसे जान लेते हैं कि वो कैसा महसूस कर रही है। हम कैसा महसूस कर रहे हैं? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा आपने इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, इट्स अमेजिंग, इट्स फैबुलस। हम क्या कहना चाहेंगे, जिनको भी एक्सीलेंस अवार्ड मिलता है वो कैसा फील करते हैं जब ऐसी पार्टीज में एक्सीलेंट अवार्ड गिफ्ट किया जाता है? ऑब्वियसली इट्स लाइक way above expectations and we feel on the top of the world, but you know everyone should get this chance. मैं चाहती हूँ सब लोग ऐसे ही awards functions में आए। वही मैं आपको बता दूं कि इतनी शानदार एक्सीलेंस अवार्ड की पार्टी कहां पर चल रही है, गोल्डीज होटल में, जहां पर RSN और सिटी बिग न्यूज जो है एक्सीलेंस अवार्ड 2023 सेलिब्रेट कर रहा है। आपको बता दें कि ये दोनों चैनल्स जो है हमारे कल्चर के लिए जो है बेस्ट साबित हुए हैं। फैशन की बात करें, स्टाइल की बात करें, रीजनल कल्चर की बात करें, हर चीज में जो हमने आपको हर तरह की वैरायटी दिखाई है, और न्यूज जो है हमारी हमेशा जो है आप तक पहुंची है हर एक तरीके से, और बेस्ट जो हमने आपको इन्फॉर्मेशन भी दी है। तो आप देख सकते हैं कि पूरे 16 श्रृंगार कह सकते हैं जो हरियाणवी कल्चर का दामन पहनकर हमारे साथ मैम मौजूद है, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। मैम आपका शुभ नाम? मेरा नाम अन्नू खनगवाल है जी। कैसा लग रहा है मैम इस एक्सीलेंस अवार्ड में आकर, और शायद जो है आज आप यहाँ पर पार्टिसिपेट भी करने वाली हैं? हाँ जी, मैं पार्टिसिपेट कर रही हूँ। मैं हरियाणा के कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए बहुत प्रेरित रहती हूँ, तो सर ने मुझे यहाँ बुलाया तो मैं उनके बुलावे पे आई हूँ।
जी, तो मैम क्या कहना चाहेंगे इस एक्सीलेंस अवार्ड को लेकर? ये अच्छा प्लेटफॉर्म है, कोई एक कलाकार होता है या कोई अच्छे काम करता है अगर उसको अवार्ड से सम्मानित किया जाता है तो उसको और भी प्रेरणा मिलती है आगे अच्छा काम करने के लिए। वही मैम बात करें हरियाणा के कल्चर की तो क्या कहना चाहेंगे जो लोग भूलते जा रहे हैं और जो लोग अभी भी याद रखते हैं इस हरियाणवी कल्चर को? जैसे हरियाणा में दम है वैसे ही हमारे हरियाणा के कल्चर में दम है। मेरा नाम सुनीता रेड्डू। जी, तो क्या कहना चाहेंगे इस एक्सीलेंस अवार्ड को लेकर मैम? बहुत बढ़िया, जब समाज में काम करने वाले लोगों को इस तरीके से अप्रिशिएशन मिलता है तो सबको अच्छा लगता है एंड आई एम आल्सो वन ऑफ देम कि मेरे काम को अप्रिशिएशन मिल रहा है तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और मैं सिटी बिग न्यूज़ और आरएसएन एक्सप्रेस को धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरी प्रतिभा को समझा और मुझे जो है इस अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया। तो फिलहाल हमारे साथ सूट बूट में जो है रेडी होकर युवाओं के प्रेरणा स्रोत यहाँ पर पहुंच चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार, कैसा महसूस हो रहा है सर? बहुत ही जबरदस्त, बिंदास, एनर्जेटिक। अच्छा सर, वही युवाओं की बात करें तो उसके लिए इंस्पिरेशन बहुत जरूरी है किसी भी अवार्ड को जीतने के लिए, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? उसको लेकर के कंसिस्टेंट जिस भी पाथ पे आप काम कर रहे हैं उस पे काम करना जरूरी है क्योंकि पहले आविष्कार होता है, फिर तिरस्कार होता है, फिर स्वीकार होता है और फिर पुरस्कार अपने आप मिल जाता है। तो इस फेज को आपको पार करना ही पड़ेगा। तिरस्कार में लोग टूट जाते हैं, जो तिरस्कार के फेज को सहते हैं उनका उनकी चीज उनको ही लोग स्वीकार करते हैं, उसके बाद उन्हीं को पुरस्कार मिलते हैं। एक बहुत ही बड़ी बात जो है आज इन्होंने कही कि कोई भी चीज जो है एक्सेप्टेबल तभी होती है जब उसमें सभी का समावेश हो। राजीव मोंगा सर, कैसा लग रहा है इस एक्सीलेंस अवार्ड में आकर? बहुत बढ़िया लग रहा है और ये तो देखो ये चुनते हैं हमें कि अगर अच्छा काम किया है तो बुला लेते हैं, हमें जाना पड़ता है। सर वही बात करें कि किसी भी पर्सन का कोई भी विनर होता है तो उसके पीछे कोई इंस्पिरेशन होती है, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखो इंस्पिरेशन तो देखो अगर आप मेहनत से लगन से करते जाओगे तो हमेशा ही बढ़िया होता जाएगा। किसी काम बोलता है, काम को दिखाना नहीं पड़ता, काम बोलता है हर जगह पे। सर कैसा लग रहा है एक्सीलेंस अवार्ड में आकर? नहीं, बहुत बढ़िया लग रहा है, पिछली बार भी हमने देखा था, बहुत ही अच्छा लगा था और रमेश जी के ये जो जितने भी कोशिशें हैं बहुत कामयाब है। सर वही अगर बात करें आरएसएन चैनल की और सिटी बिग न्यूज की तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा चैनल है, हमें सच्ची और बढ़िया खबरें देखने को मिलती है और ये खबरें हमें गाइड करती है, सारे शहर के बारे में खबरें सब देते रहते हैं और हमें लगता है कि ये खबरें बिल्कुल सच्ची खबरें हैं। सर वही ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, हर चीज की बात करें, प्रोग्राम की बात करें तो कैसा महसूस करते हैं जैसे कि आप पहले भी आए हैं यहाँ पर? नहीं, अच्छा प्रोग्राम होता है और हमेशा ही हम इसको एंजॉय करते हैं और सबके मिलकर भी बहुत अच्छा। वही हमारे साथ एक प्रीटी सी लेडी भी मौजूद है तो उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मैम आपका शुभ नाम? अलका मेनी। मैम कैसा लग रहा है आज इस एक्सीलेंस अवार्ड में आकर? बहुत अच्छा लग रहा है। भाई अगर बात करें एक्सीलेंस अवार्ड की और साथ ही में ऑर्गेनाइजर की तो क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बहुत अच्छा अरेंजमेंट है और बहुत अच्छा, इससे जो भी सेलिब्रिटीज हैं सेलिब्रिटी बन जाते हैं, है ना, यहाँ आके सेलिब्रिटी बन जाते हैं और उससे जो भी आने वाले गेस्ट हैं उनको एक तो एप्रिसिएशन मिलता है, है ना, कि वो आए और अपने अपने फील्ड में और बेटर वर्क कर सके तो काफी अप्रिसिएशन मिलता है, बहुत अच्छा फील होता है। तो फिलहाल हमारे बीच डीएसपी जय भगवान भी पहुंचे, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं आरएसएन एक्सप्रेस और सिटी बिग न्यूज़ के इस इनिशिएटिव को लेकर। सर कैसा लग रहा है आज इस एक्सीलेंस अवार्ड में आकर? अभी तो पहुंचे हैं और यहाँ हिसार के जो लोकल समाज सेवी हैं और उन सभी को आपने बुलाया इनवाइट के, तो मुझसे मिलेंगे तो आपके बहाने से सभी इकट्ठे हो रहे तो काफी अच्छा लगेगा अभी इकट्ठा होकर आरक्षण परिवार के साथ जुड़ के। सर वही हम जो है आरएसएन और सिटी बिग न्यूज जो है इन्फॉर्मेशन देते हैं, क्या कहना चाहेंगे उस इन्फॉर्मेशन को लेकर कि किस तरीके की इन्फॉर्मेशन जो है दोनों चैनल्स दे रहे हैं? देखिए मैं जो देख रहा हूँ आरक्षण को, मैं काफी दिन से रमेश जी को ऑब्जर्व करता हूँ तो मैं न्यूज में ये देखता हूँ कि वही न्यूज दिखाते हैं जो इम्पोर्टेंट है, वो मार्केटिंग वाली या किसी को फेम करने वाली या पैसे लेके करने वाली वो न्यूज आरक्षण में नहीं दिखाई जाती है। मुझे काफी अच्छा लगता है जब मैं आपका न्यूज को फॉलो करता हूँ, आरक्षण बड़ा अच्छा परिवार अच्छा काम कर रहा है। बच्चों की इंस्पिरेशन हमारी और बच्चों की प्रिंसिपल एनवाईपीएस स्कूल की प्रिंसिपल हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत कर लेते हैं इस एक्सीलेंस अवार्ड को लेकर क्या कहना चाहेंगी? नमस्कार। नमस्ते मैम, आपका शुभ नाम? लीला। मैं मैथ्यू। मैम कैसा लग रहा है आज इस एक्सीलेंस अवार्ड में आकर? आई एम रियली वेरी वेरी हैप्पी दैट यू पीपल हैव यू नो रिकॉग्नाइज्ड
like private sector school principals also, that we are really doing a great job, but recognition from forum like you, it is really an encouragement for all of us. Why aaj excellence award ki baat kare to kya aapko bhi mil sakta excellence award? Why not? Chaliye ye bhi bas aaj ki baat, inko bhi excellence award mil sakta hai kyunki bhai organizer ke liye kya kehna chahenge Ramesh Sharma sir jo hai aap baar baar initiative karte hain is tarike ke excellence award karte hain usko lekar kya kehna chahenge? See, really you are doing a great job, you know, the people, great people think great and select people like us for this award. It's a really wonderful job from the organizers. Thank you. The filhal hamare sath property ke naam par sabse best Ravi Properties ke owner Agrawal se maujood hai, unse baat chit kar lete hain. Sir namaskar. Namaskar ma'am. Sir kaisa lag raha hai aaj is excellence award mein aakar? Nahi, bahut acha lag raha hai ji, bahut badhiya lag raha hai aur sabhi se milke bahut khushi ho rahi hai. सर वही बात करें आरएसएन और सिटी बिग न्यूज की, तो हम आपको हर वक्त जो है हर बार नई इन्फॉर्मेशन देते हैं जो कि लोगों के लिए काफी इम्पोर्टेंट है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है ना जी, देखो सभी से मिल के अच्छा लग रहा है और हमारे को काम करने में खुशी हो रही है और हम अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं. सर वही आज एक्सीलेंस अवार्ड में शायद आप भी कहीं ना कहीं एक्सीलेंट विनर हो सकते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, आए हैं आज, कुछ ना कुछ तो लेके जाएंगे, कुछ ना कुछ सीख के भी जाएंगे, सभी लोगों से मिलके जाएंगे, कुछ ना कुछ यहाँ से नया सीख के जाएंगे और प्रयास करेंगे अच्छा करने की. फिलहाल हमारे साथ और भी बहुत सी हस्तियां यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे इस एक्सीलेंस अवार्ड को लेकर. मैम आपका शुभ नाम? डॉक्टर कामिनी आश्री. मैम आज कैसा लग रहा है इस एक्सीलेंस अवार्ड में आकर? बहुत अच्छा लग रहा है वैसे तो, और धन्यवाद करना चाहती हूँ आरएसएन की पूरी टीम का और सिटी पिक न्यूज वालों का जिन्होंने हमें ये अवसर दिया. मैं वही बात करें एक्सीलेंस अवार्ड की, तो एक्सीलेंस अवार्ड से पहले एक सवाल आता है कि कौन विनर है और किस लिए उसको दिया जा रहा है, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए यहाँ तमाम जितने भी प्रतिभागी हैं वो सभी अपने अपने कार्य श्रेणी में उत्तीर्ण हैं और जाहिर सी बात है वो सर्वश्रेष्ठ हैं, इसी प्रकार इसी वजह से उनको आज मान सम्मान मिल रहा है और इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद किया जाना चाहिए इनकी टीम का, रेसेंट टीम का, जिसमें इन्होंने मतलब एक प्रतिभागी जो अपने ये लगा लो कर्मठ है और काफी अच्छे तरीके से अपना कार्य कर रही है, चाहे वो समाज सेवा का हो चाहे वो किसी भी तरह की एक्सीलेंस हो, तो हर फील्ड में उनका एक प्लेटफॉर्म अलग से उनको सम्मान दिया जा रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है. तो यही जो है बहुत अच्छी बातें निकल कर आ रही है सिटी विक न्यूज और आरएसएन को लेकर. बहुत ही प्रसिद्ध हस्ती हमारे बीच है हरियाणवी गीतकार, उनसे बातचीत करते हैं कि कैसा लग रहा है आज इस एक्सीलेंस अवार्ड में आकर. सर नमस्कार. जी नमस्कार राधिका जी. कैसा लग रहा है सर आज इस एक्सीलेंस अवार्ड में आकर? देखिए सबसे पहले तो मैं आरएसएन का धन्यवाद करना चाहता हूँ, आपकी टीम का, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा यहाँ बुलाया, और बहुत मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहा हूँ, बहुत मेरा बड़ा भाग्य है कि ऐसे बड़े बड़े मंचों पर हम जैसे कलाकारों को आप आमंत्रित करते हो, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. सर वही अगर बात करें आरएसएन और सिटी बिग न्यूज की, तो क्या कहना चाहेंगे उनके? देखिए इसार की, इसार ही नहीं पूरे हरियाणा की आवाज है आज के समय आरएसएन और सिटी बिग न्यूज. जिस संघर्ष से रमेश शर्मा जी ने, कमल भाई ने, अंकिता जी ने, आपने जो संघर्ष किया, मैं इनके संघर्ष का गवाह रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत सालों से इनके साथ काम करता आ रहा हूँ, तो आज इनकी कामयाबी देखकर मैं इसे अपनी कामयाबी मानता हूँ. हमारे एक्सीलेंस अवार्ड के एंकर भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं. विशाल जिंदल सर नमस्कार. नमस्कार जी. नमस्कार. कैसे कैसा महसूस कर रहे हैं सर? मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ क्योंकि समाज के उन लोगों को हम लोग आज यहाँ पर सम्मानित करने वाले हैं जो अपने अपने क्षेत्र के पुरोधा हैं, और उनका संग होना ही बहुत बड़ी बात है, और मुझे तो ये मंच मिला है, मैं उनके लिए होस्ट कर रहा हूँ. सर आज ये होस्टिंग कर रहे हैं, कैसा जो है प्राउड मोमेंट है क्योंकि एक एक्सीलेंट विनर भी आप हो सकते हैं इसमें? हाँ, मुझे देखो, मुझे उड़ती उड़ती खबर तो ये मिली है कि मुझे भी सम्मानित किया जा रहा है, बिकॉज इट्स बीन 14 इयर्स की मैं एंकरिंग के क्षेत्र में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, और हमेशा से जो पहचान दी है कमल जी ने, रमेश जी ने, सभी कलाकारों को, वो वाकई काबिल तारीफ है. सर वही अगर बात करें आरएसएन और सिटी बिग न्यूज जो हर बार नया नया इनिशिएट करता है, इस एक्सीलेंस अवार्ड को भी उन्होंने जो इस बार किया, तो इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? आप दोनों ही ना हमेशा से इनोवेशन की बात करते हैं. देखो बहुत सारे ब्रांड्स हैं, और जब मंच की इनोवेशन की बात आती है, अवार्ड्स की इनोवेशन की बात आती है, क्योंकि हम फील्ड स्पेसिफिक अवार्ड शोज तो हर कोई करता है, पर हर क्षेत्र से ऐसे नगीनों को ढूंढ करके लाना ये बहुत मेहनत का काम है, क्योंकि आप लोगों की रिपोर्टिंग्स मैंने देखी है, जिस तरीके से आप लोग रेगुलर रिपोर्टिंग्स करते हैं और उनकी कहानियों से आप लोग निकाल करके आते हैं कि समाज में कौन इम्पैक्ट ला रहा है, कौन चेंज लेकर के आ रहा है, तो रमेश जी और कमल जी इसी के लिए जाने जाते हैं, और आज से नहीं, मुझे
मुझे ऐसा लगता है कि जब मैंने अपने करियर की शुरुआत करी थी तब से ही ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं और उन लोगों को सम्मानित कर रहे हैं, उन लोगों को मंच दे रहे हैं, तो ये मेरे लिए बड़ा प्राउड मोमेंट है। तो भाई विशाल जनरल तो बहुत खुश है इस एक्सीलेंस अवार्ड में आकर भी और इसको होस्ट करके भी। सर थैंक यू। थैंक यू जी। थैंक यू। थैंक यू। तो आज इस साल की जानी मानी हस्तियां हमारे बीच पहुंची इस एक्सीलेंस अवार्ड में और आज यहां से एक एक्सीलेंस अवार्ड लेकर गई और अपना जो नाम है, अपना जो इंस्पिरेशन है,